मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के साथ रविवार को दिवाली मनाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जवानों के पराक्रम के कारण ही उनकी सरकार वो कड़े फैसले कर पाई जो असंभव माने जाते थे। प्रधानमंत्री नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए सीधे सेना ब्रिगेड मुख्यालय पहुंचे। उन्हें अपने साथ पाकर जनरल प्रमुख बिपिन रावत काफी प्रसन्न नजर आए। पाक की गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने राजौरी दौरे से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तानी सेना ने जिले की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया था। पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। मोदी ने तीनों के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर भी साझा की। प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और दिवाली के विशेष अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति कार्यालय में ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से उनके निवास पर भेंट की, दीपावली की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर परस्पर शुभकामनाएं दी गई। बाकू में हुए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की उपराष्ट्रपति की यात्रा पर भी बातचीत की गई। भारत के साथ ही अमेरिका में भी दीपावली की धूम देखने को मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली मनाई। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया संग व्हाइट हाउस में दीप प्रज्वलित किए और साथ ही लोगों को शुभकामनाएं भी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम दीप प्रज्वलित कर अपने रिश्तों और संस्कृति को मजबूत होने की कामना करते हैं। ये दिवाली सभी के लिए उम्मीद लेकर आए और मैं दिवाली के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सीरिया में अमेरिकी हमले में इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी मारा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी बगदादी के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना से घिरने के बाद बगदादी ने खुद को आत्मघाती धमाके से उड़ा दिया। इस आत्मघाती धमाके में उसके तीन बच्चों के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी के खात्मे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बगदादी की मौत अमेरिका के लिए आतंकियों को खोजने के अथक प्रयासों को दिखाता है। रविवार को मनोहर लाल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर बहुत जल्द विचार किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई भी दी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के दौरान पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, हिमाचल और उत्तराखंड के सीएम और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। वहीं पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी पहुंचे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर तंज कसा और कहा कि वोट किसी की सपोर्ट किसी की, ये सरकार स्वार्थ से भरी है। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची नैना चौटाला ने कहा कि सरकार मजबूती से आगे बढ़ेगी, सरकार चलती रहेगी और आप देखते रहेंगे। वहीं नैना चौटाला ने दुष्यंत को बधाई दी। नैना चौटाला ने कहा कि एक लीडर को खड़ा करने में कार्यकर्ताओं का अहम रोल होता है, इसलिए वो उनका धन्यवाद करती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दीपावली में पूरा परिवार काफी खुश है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मेरे पिता और दादा को जेल में डालने का कारनामा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, हम कांग्रेस को समर्थन देने के लिए नहीं जीते थे।
दिग्विजय ने कहा कि हम इकलौती ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। जिस पार्टी ने प्रदेश को 10 साल तक लूटने का काम किया, हम उसके साथ गठबंधन कैसे कर सकते थे। दिवाली पर दिल्ली में खूब पटाखे छोड़े गए। प्रदूषण में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर प्रभावित नजर आई।